चलिए आज हम जुपिटर के बारे में बताते हैं। जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति, सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, बृहस्पति क्या है? अगर सूर्य के बाद सबसे बड़ा कोई प्लेनेट है तो गुरु है। देखो पांच नंबर क्या है? ब्रह्म स्थान। यदि किसी व्यक्ति का ब्रह्म स्थान ही खराब हो जाएगा तो उसके घर में सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी किसी भी तरह की। और ये कुंडली का जो सिस्टम होता है दिखाने का बताने का, इसके पीछे यही लॉजिक होता है कि हम तथ्यों को जाने। पांच नंबर वाले मैं आप कैसे समझाऊं, उनका मैनेजमेंट खराब होता है। उन्हें ये नहीं पता होता उन्हें क्या काम किस समय करना है। वो भावनात्मक रूप से काम करते हैं, दिमागी रूप से काम नहीं करते। इसलिए पांच नंबर वाला व्यक्ति न पांच नंबर नहीं है, वो अपने काम को पूरा भी नहीं कर पाता, बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। रेमेडी क्या होती है? रेमेडी एक तरह से टेम्परेरी इलाज है। जो काम आपका ओरिजिनलिटी करेगी, क्या वो काम टेम्परेरी रूप से कर हो सकता है? किसी के कोई पैर में चोट लग गई है, किसी का पैर कट गया, अब रेमेडी से आपने आर्टिफिशियल पैर लगा के काम कर लिया, क्या वो पैर वो काम कर लेगा जो उसकी ओरिजिनलिटी काम कर रही थी? सूर्य के बाद अगर सब में कोई बड़ा प्लेनेट है, वो गुरु है। गुरु सात्विक है, प्योर है, शुद्ध अच्छा माना जाता है, गंगा जल है। यूनिवर्स सौर मंडल में जिसमें सारे प्लेनेट घूमते हैं, उसमें जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट होने के बाद भी अपने जो उसके घूमने का पैमाना होता है 8.9 हवर में पूरा करता है। पृथ्वी का चक्कर 1.9 में कर देता है। पृथ्वी को उस चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। इस चीज से आप अंदाज लगा लो कि बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से भी बड़ा है। समझ नहीं रहे आप मेरी बात को? जुपिटर और वीनस शुक्र एक दूसरे के अपोजिट है। जुपिटर और वीनस अपोजिट है, क्योंकि गुरु कहता है कि मैं बड़ा और शुक्र कहता है कि मैं बड़ा। वो दोनों बड़े की लड़ाई में दोनों लड़ते रहते हैं और वो कभी एक दूसरे का भला नहीं करते। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र देवताओं के गुरु हैं, और ये दोनों के दोनों सचिव हैं। गुरु क्या है और बृहस्पति क्या है? इन दोनों को देश का प्रधानमंत्री का सचिव माना गया है। सूर्य राजा है और ये दोनों सचिव है। अब सचिव का काम क्या होता है? अपने डिपार्टमेंट को संभाल के रखना। जो शुक्र काम करते हैं वो इंटरनल काम करते हैं। शुक्र जो है वो गृह मंत्री हैं, सचिव हैं गृह मंत्री के। और जो बृहस्पति हैं वो विदेश करते हैं। राजा की दूसरी कंट्री में, अब राजा के दूसरी कंट्री में कैसे संबंध है, कैसे रखने हैं? फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या है? दूसरे देशों से पैसा लाना, दूसरे देशों में अपनी व्यवस्था को बनाना, दूसरे देशों में अपने माल को बेचना, विदेश से पैसे को अपने देश में लाना फाइनेंस मिनिस्टर का है। ये विदेश मंत्री काम करेगा, ये काम करते हैं बृहस्पति देव। अब बृहस्पति का काम अच्छा धार्मिक मोक्ष का मार्ग, हेल्थ लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ, सही गलत का कार्य गुरु का है। अब बात आती है शुक्र की। शुक्र लाइफ कैसे जिए? शुक्र क्लॉकवाइज घूमता है, सारे ग्रह एंटी क्लोज घूमते हैं, वीनस शुक्र घूमता है, शुक्र एंटी क्लोज शुक्र घूमता है। शुक्र संजीवनी बूटी है, दवाई है, गुरु के बिना ठीक नहीं हो सकती, शुक्र के बिना ठीक नहीं हो सकती। शुक्र साइड करता है ठीक होना है या नहीं होना है। उस व्यक्ति का शुक्र अच्छा है तो उसके दवाइयां काम करेंगी, अगर उसका शुक्र अच्छा नहीं है
तो वो उस व्यक्ति के मरने की संभावना काफी ज्यादा परसेंट हो। तो शुक्र ग्रह जिसका अच्छा होता है वो व्यक्ति मृत्यु की शैया से भी वापस आ जाता है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में शत्रु हैं। दशा महादशा में गुरु में शुक्र या शुक्र में गुरु आएगा तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा। आज आप अपने आप ही फिर कहेंगी अरुणा जी कि आपने ये बात नहीं सुनी, जब शुक्र में गुरु और गुरु में शुक्र आएंगे तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सातवीं राशि में शुक्र बैठा है, 6 से 8 के बीच में शुक्र होता है। अब दूसरी राशि मेरी जो धनु है बृहस्पति, वो दूसरे स्थान पे है। अब यहां से शुक्र की राशि जो बढ़ती है 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पर शुक्र की राशि है तो 8 में हो गई। क्योंकि हम आपकी उसमें मैं कुंडली नहीं देखता इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा। तो ये हमारा लेखा है कि अगर गुरु से शुक्र छठे या से अष्टम के बीच में होता है, जैसे गुरु के पास मृत्यु को टालने के मृत व्यक्ति को जिंदा करने की शक्ति है। शुक्र लाइफ कैसे जिए, क्लॉकवाइज घूमता है, सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज, सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं लेकिन शुक्र ग्रह ही है जो क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, शुक्र के दवाइयां शुक्र के बिना ठीक नहीं हो सकती, जड़ी बूटी दवाई है शुक्र के बिना ठीक नहीं हो सकती। शुक्र डिसाइड करता है ठीक होना है या नहीं होना। देते गुरु के पास मृत्यु को टालने की मर्त व्यक्ति की जिंदा करने की शक्ति थी, परंतु दोनों परम शत्रु थे। दोनों क्योंकि दोनों सोचते हैं कि बेस्ट में हूं, बेस्ट में हूं। ठीक है, गुरु की राशि में शुक्र की राशि से 6 या 8 पर आएगी। अब बात आती है गुरु जुपिटर, धन आध्यात्मिक एजुकेशन बच्चों या मोक्ष का कारक है। दूसरे भाव में बुद्धि होगी, पैदा होने के बाद उसमें वृद्धि होगी। एक व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है या कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी बृहस्पति राशि कहाँ कहाँ है? बृहस्पति की राशि जहां पे भी होगी वहां पे डे बाय डे वृद्धि होएगी, गिरावट नहीं आएगी। बृहस्पति का काम वृद्धि करना है। अगर बृहस्पति की राशि छठे स्थान में बैठ जाएगी तो व्यक्ति को रोग की उत्पत्ति होती चली जाएगी और बढ़ता चला जाएगा। अगर हाँ जी पंचम भाव में बृहस्पति आ जाता है तो उस व्यक्ति की नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और संतान में भी वृद्धि होती जाएगी, ज्ञान में। नवम भाव में आध्यात्मिकता बढ़ता चला जाएगा। 11वें भाव में इनकम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। 12वें भाव में एक्सपेंसिव खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। गुरु जहां बैठेगा, जहां होता है, तो मोशन में वृद्धि करता ही रहता है। अब बृहस्पति की दो राशि है, एक धनु और एक मीन। कुदरत के क्या नियम है कोई नहीं जान पाया। धनु अग्नि प्रधान है और मीन जल प्रधान है। गुरु की राशि में जिस भाव में भी आएगी उस भाव में से रिलेटेड उनके भाव में वृद्धि होगी और धीरे धीरे वृद्धि होगी। कंपनी छोटी होगी वह समय समय पर बढ़ती जाएगी। गुरु 6th हाउस में बीमारी कर्जा डेबिट लोन देगा, इससे धीरे धीरे वृद्धि होगी और लोन बढ़ता ही जाएगा। छठे स्थान में बृहस्पति होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्जे को चुकाने के लिए नई जगह से कर्जा लेके पुराने कर्जे को चुका देता है और वो जीवन भर यही काम करता रहता है। एक कर्जा चुकाता है, दूसरा पल्ले पड़ जाता है, दूसरा चुकाता है, तीसरा मिल जाता है। जुपिटर जीव उत्पत्ति का कारक है, पूर्व जन्मों में क्या फल देगा पिछले जन्म का बैलेंस आगे फॉरवर्ड करता है। गुरु की पंचम दृष्टि पिछले जन्म का कुछ आगे लेकर जाएगी। 7वीं दृष्टि और नवम दृष्टि पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, ये आगे के रिलीजन फील करती है जन्म में जाएंगे। ठीक है, अब आधा अगले जन्म में पिछला आगे लेकर जाना है। 5वीं दृष्टि बच्चों को कैसे ट्रीट करें, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बनाएं, प्यार से समझाएं, नफरत ना करें, गलती को समझाएं। गुरु जहां भी बैठेगा उसकी दृष्टि 5वीं जहां पड़ेगी वह गुरु कंपरेटिव करेगा, समझाएगा, गलती माफ करेगा। बच्चों के साथ में जो बिहेव होगा गुरु वह करेगा।
गुरु गंगा जल है, उसकी दृष्टि जहां पड़ेंगी वह अच्छा ही करेंगी। सातवीं दृष्टि सामने वाले से रिलेटेड नीचे होगी, वे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगी, उन्हें समझाएंगी, अपोजिट वाले को भी ज्ञान से समझाएंगी, अपने को गलत नहीं मानेंगी, ना ही दूसरे को गलत ठहराएंगी, बल्कि उन उसको समझाएंगी। नवम दृष्टि पिता धर्म गुरु का कारक है, ज्ञान का भाव है, गुरु का काम अच्छा रास्ता अच्छा, जहां पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड चीजों को ज्ञान, ठीक है, ज्ञान देती देगी, ज्यादा से ज्यादा समझाएगी। कॉम्बिनेशन गुरु मोस्ट बेनिफिट है, गंगा जल है। गुरु अशुभ भाव का कारक नहीं होना चाहिए, गुरु अपने कारक भाव का नाश करता है, गुरु जहां बैठता है उसका नाश करता है, जिस भाव में बैठता है उसका नाश करता है, पर पूरा नाश नहीं होता। जैसे फादर को बच्चों के प्रति चिंता बढ़ाएगा, कुछ टेंशन भी जोड़ देगा। गुरु और बुद्ध लाइफ लाइफ में प्रॉब्लम लाता है, गुरु ज्ञान धर्म बुद्धि, व्यापार में बुद्धि धार्मिकता हो तो व्यापार नहीं चलेगा, व्यापार में झूठ बोला जाता है, बुद्धि सात्विक हो तो किसी के साथ गलत नहीं करती। गुरु स्वार्थ पर को खत्म करेगा, घर में खुशी अपनी खुशी टोस भी करेगा। डिग्री जिसकी ज्यादा होंगी जिसकी कम, गुरु जिस भाव का कारक है, बुद्ध जिन भावों का कारक है। गुरु और शनि, गुरु धर्म व न्याय का प्रतीक है, शनि धर्म कर्म व न्याय का प्रतीक है। जब दो प्लैनेट, एक कार्मिक प्लैनेट, शनि कभी गलत नहीं होता, शनि सबसे बेस्ट प्लैनेट होता है, शनि कभी बिना कर्म के फल नहीं देता। जिस कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट काम नहीं करेगा वह शनि फल जरूर देगा। जो धर्म न्याय का मालिक, कर्मों का मालिक शनि जुपिटर गुरु के साथ बैठ जाता है। इस कॉम्बिनेशन से लोग वकील होते हैं, वकील की डिग्री होती है, या साथ बैठा हो तो आमने सामने ही पक्का रिजल्ट मिलेगा, मगर पंचम या दशम में बन जाए तो कॉम्बिनेशन या उनसे जुड़ा हुआ कॉम्बिनेशन हो तो ये चीज गारंटेड हो जाती है। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। शनि और गुरु जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो हमेशा देखना, मेष राशि जहां पर भी होगी वो डैमेज हो जाती है। गुरु इतना बेनिफिट प्लैनेट होने के बाद जब शनि के साथ बैठ जाता है या जुड़ जाता है तो कर्मों में सात्विकता आ जाती है, कर्मों के अंदर अच्छाइयां आ जाती है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी कॉम्बिनेट है। इंसान के कर्म के अंदर ज्ञान आ जाए, धर्म के अंदर ज्ञान आ जाता है, ऐसा व्यक्ति न्याय सात्विक वह बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है। क्योंकि बुद्धि क्या चाहती है वो अलग बात है, मन क्या चाहता है ये अलग बात है, फाइनली आउटपुट कर्म कैसा होगा आपको ऊपर निर्भर करता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म ज्यादातर अच्छे नहीं हो पाते। राहु और गुरु के बारे में बात करते हैं, राहु और गुरु जिसको ज्यादातर गुरु चंडाल दोष के नाम से जाना जाता है, जिस कुंडली के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, लाइफ को बहुत चिंतित होते हैं। गुरु राहु जिस भी भाव में बैठ जाएगा उसको डैमेज कर देगा, गुरु के कारक तत्व को डैमेज कर देता है, क्योंकि राहु धुआं है। जब किसी के सात्विकता के अंदर और गुरु से जुड़ी कारक तत्व के अंदर धुआं आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इन चीजों का मजाक बना देता है। जिंदगी को मोस्ट बेनिफिट प्लैनेट, सबसे अच्छा प्लैनेट गुरु जब राहु के साथ बैठ जाता है तो जिंदगी के अंदर गंगा जल होता है, गंगा जल ही खराब हो गया तो गंगा जल के अंदर धुआं कंफ्यूजन आ गया तो जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल हो जाते हैं, प्रॉब्लमें आ जाती हैं। फीमेल में ज्यादातर देखा गया है लीजन लोन अफेयर्स, लव अफेयर्स होना, शादी होना घर वालों की मर्जी के बिना, ये ज्यादा इस पर कॉम्बिनेशन में देखा गया है। राहु गुरु का जब चंडाल दोष होता है तो ये सारे कार्य होते हैं। मेल की कुंडली में राहु गुरु का कॉम्बिनेशन छठे भाव में आ जाता है तो जिंदगी भर उन्हें कंफ्यूजन बना रहता है। बस पॉइंट से देख रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी चीजें देखना चाहता हूँ। बच्चों का कारक, पिता का कारक, इन सब का कारक जुपिटर गुरु हो जाता है, इसके साथ राहु बैठ जाता है, इन सब में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके साथ केतु की बात करें, हेलो, राहु की तरह केतु भी काम करेगा, फुल एक्सीलेंट सेम काम करेगा राहु की तरह, लेकिन केतु मोक्ष का कारक है, अगर ये कॉम्बिनेशन सही भाव में बैठ जाए तो बेनिफिट इफेक्ट में आ जाएगा, तो ये ब्रिलियंट काम कर लेता है, आदर्शों को मोक्ष भी
आदमी को मोक्ष भी दे देता है। केतु का क्या काम है? तड़फन। केतु जुपिटर के साथ बैठकर ऐसे ऐसे तंग करेगा, इन सब चीजों के लिए उसे तड़फन रहेगी। वो चीजें क्या क्या होंगी? केतु का मालिक कौन है? केतु का डिप्रेशन डिपोजिशन कौन कौन है? उसका गुरु जुपिटर के साथ रिलेशन है, किन किन भावों का मालिक है? केतु और गुरु बैठकर किस भाव को तड़फाएंगे? ये सब चीजें ठीक है ना, अप्लाइड करने के लिए सबसे पहले ये देखें डिग्री किसकी ज्यादा है किसकी कम है।